जी। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, ठीक है। शाम हो गई है, शाम का 8 बजने वाली है, ठीक है, आधा घंटा बचा है। तो शाम का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखता है रेलवे स्टेशन, ठीक है, देख लो। शाम में कुछ इस प्रकार दिखता है रेलवे स्टेशन, काफ़ी झटास दिखता है, ठीक है। तो अभी अपन जा रहे हैं, देखते हैं, पानी जैसे तो अभी नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे ही जाते हैं। काफ़ी सुंदर दिखता है नाइट के समय में। तो अभी हम लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग कुछ बस धरेंगे, बस जाएंगे, बस पकड़ेंगे और हम लोग यहाँ से चल जाते हैं बाबूगढ़, ठीक है। ट्रेन में नहीं जाएंगे, अगर बस हम लोग को नहीं मिलते तो हम लोग जाएंगे ट्रेन में, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं बाबूगढ़, देखते हैं टिकट वगैरह मिलता है नहीं मिलता, अगर बस चल जाती है तो हम लोग फिर से वापस हम लोग रिटर्न आएंगे, हम लोग जाएंगे ट्रेन में। उम्मीद करते हैं हम लोग को मिल जाए ताकि हम लोग जल्दी पहुँचे। अगर हम लोग बस में जाएंगे ना तो अपना घर के सामने उतरेंगे, यानी कि अपना लोकेशन में, अपना एरिया में, ठीक है। और ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा ट्रेन में जाएंगे, फिर चेंजेस करना होगा, फिर चेंजेस करने के बाद हम लोग को फिर से जाना होगा, गाड़ी पकड़ना, गाड़ी से फिर दूसरा गाड़ी, इस प्रकार का मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है, ठीक है। तो नाइट में सीन तो कुछ अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, आप लोगों को क्या बताऊँ। देखो इधर का घर सब कैसे दिख रहा है भी, और कलकत्ता वासियों का जनजीवन देखो, ऑटो वगैरह सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। टैक्सी वगैरह ज़्यादा चलती है यहाँ पे, आपको कहीं भी जाना पड़ता, कहीं भी जाना है आपको टैक्सी बुक करने का, टैक्सी से आपको जहाँ चाहिए आपको वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है अभी हम लोग को बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी शाम हो गई है, शाम को एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिलता है। दिन में तो पानी जहाज मिलेगा, अभी हम लोग का शाम हो गया ना तो शाम को नहीं मिलेगी। तो अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज होकर के जाएंगे, ठीक है, हावड़ा ब्रिज के ऊपर ऊपर से। भाई फर्स्ट बार देखा, अच्छा लगा बोल रहे। मैं मेरा तो बहुत यहाँ पर ही मेरे हिसाब से घर जैसे लगता है, बोले ना अच्छा लगता है यहाँ का लोकेशन, लेकिन गर्मी के सीजन में थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है, ठीक है। गर्मी के कारण आज हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। और यहाँ पर आप लोगों को मस्त मस्त पेड़ पौधे दिख रहे, देखो एक से एक फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। बड़ी इतना खूबसूरत नजर आएगा आप लोग की बताना, देखो कुछ अमेजिंग लगा ना भाई, बहुत अच्छा दिखता है यार रेलवे स्टेशन शाम के बेला में। देखते हैं, पूछने वगैरह जाते हैं, मिलते हैं तो हम लोग फिर से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पार हो लेते हैं, अगर हम लोग को मिल जाती है तो ठीक है, हम लोग को तो लगता है बंद हो गया होगा, नहीं बंद हो गया होगा ना, बंद हुआ, हमको लग रहा है अभी बंद हो जाती है। हाँ तो यहाँ भी नहीं, और आगे ना, एक्चुअली मैं बार बार बुला जाता हूँ, ठीक है। हमको लग रहा है अभी टिकट वगैरह नहीं मिलेगी, बंद हो गया होगा। अभी मैं गए थे फिर भी मैं भुला जा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो अभी वहाँ से जाते हैं फिर टिकट वगैरह देखते हैं, अगर टिकट वगैरह कुछ मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही चल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बस में चल जाएंगे, ठीक है, बस में जाने को। नाइट में हावड़ा का लोकेशन किस प्रकार दिखता है आप सब उनको दिखाएंगे, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है नाइट में। कहाँ यहाँ से घुसे थे? नहीं, हम लोग पार कर दिए, तो हम लोग को बसे में जाना होगा, ठीक है। गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है साथ। एकदम मोबाइल को बहुत सेफ्टी से पकड़ा हो, कोई छीन छान ना ले यार, दोनों हाथ से पकड़ा हो, ठीक है। सेल्फी स्टिक का एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर में पूरा एकदम बिरयानी वगैरह मिल रहा है, होटल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर जो खाओ वो मिलेगा यहाँ पर आने को वगैरह सब, ठीक है। मंदिर वगैरह कुछ देखने को किस प्रकार मिलता है। उम्मीद करते हैं अभी तो हम लोग को कुछ पानी जहाज तो नहीं मिलेगी, तो अपना कुछ टैक्सी या बस का प्रबंध करेंगे और हम लोग जाएंगे बाबूघाट तक,
और बाबूघाट से हम लोग निकलेंगे सीधा घर की ओर। तो कहीं और से तो बस वगैरह तो मिलती है नहीं है, इसलिए हम लोग को बाबूघाट ही जाना पड़ेगा। और आप सबों को थोड़ा बहुत दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर टैटू वेटू सारा कुछ बनता है, टैटू गैक्स एक फिनिशिंग होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। अभी शाम शाम का समय में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज के ऊपर में आए हैं, तभी तो नहीं आए थे भाई, ऐसे ही दूर से केवल देखा था, ठीक है। तो आप लोगों को देखना होगा कितना भीड़ भड़ा का होता है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज के ऊपर। इधर में क्या क्या बेचा रहा है देखो, आप लोग देख सकते हो। और बस वगैरह इस प्रकार चलती है। इधर भुट्टा, हमने भी भुट्टा बेच रहे हैं, साइकिल छोटा छोटा साइकिल भुट्टा बेच रहे हैं। हम लोग उस साइड जाना हो, उस साइड हावड़ा ब्रिज ट्रैफिक भीड़ है कि दोस्तों हम लोग पार करने में असमर्थ है, ठीक है। तो अंकल बताया 259 गाड़ी पकड़ना है, ठीक है, 59। तो उसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है, गाड़ी नंबर में देखते हैं कितने देरी में मिलता है। तभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर में, तो भाई के साथ मजे में है, भाई मजे ले रहे हैं ना। एक सौ उनसठ देखना भाई। अरे यार ट्रैफिक पार करने में इतना दिक्कत हो रहा था कि नहीं बोलना ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पार करने में हमारा बांस हो जा रहा था। मिल जाओ भाई, मिल जाओ भाई हमारा गाड़ी, कहीं बस वगैरह छूट ना जाए। तभी हम लोग लोकल बस धरेंगे, ठीक है। टैक्सी इतना भीड़ हो जाता है ना यार ये रोड में, ठीक है। अंकल अमरूद वगैरह बेच रहे हैं, आप सबों को थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। अमरूद वगैरह इधर है, अमरूद करो ना तोर मुझसे प्यार। 259 गाड़ी नंबर मिल जाए भाई। बाबू घाट ना मैया घाट, सब जगह जाएगा यार, बाबू घाट भी जाएगा, मैया घाट भी। हावड़ा ब्रिज बिना फॉल बिना खम्बा का खड़ा हुआ ये गाड़ी देखो, हावड़ा ब्रिज रात का समय में आया। और ये भाई बहुत उदास में गाड़ी के इंतजार में। तो बहुत जल्दी मिल जाएगा भाई, बस तू देखते जाओ गाड़ी को। 259 कोई गाड़ी दिखा, अरे बाबा बहुत जल्दी मिलेगा, उम्मीद करना भाई। भाई बाबू घाट लोग चढ़ चुके हैं 259 वाला गाड़ी नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ भीड़ भड़ा का है गाड़ी का पसेंजर लोग, ठीक है। हम लोग चलते हैं बस स्टैंड, यहाँ से लगेगा 5 मिनट या 10 मिनट का सफ़र रहेगा, क्या भाई 10 मिनट का सफ़र रहेगा। तो वहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फ्रेश होने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा अपना मंजिल की ओर। तो अभी हम दोनों कलकत्ता से निकल रहे हैं अपना घर को, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग रांची जाने वाला बस में चढ़ेंगे, तो नहा धो के फ्रेश हो गए। तो साइड में नहाने का भी है, नहाने का 20 रुपये लिए है एक आदमी में, दो जन में 40 रुपये। तो अब चलते हैं दोस्तों कलकत्ता को, कुछ दिन के लिए बाय बाय करते हैं, क्या भाई।
फिर आएंगे कभी घूमने वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा घूम फिर के और नहा धो के एकदम अभी मस्त रेडी है, ठीक है। तभी हम लोग घर की ओर निकलते हैं और आप सबों को बाबू घाट का कुछ लोकेशन दिखाएंगे, बस वगैरह कैसे रहता है, ठीक है। कार दिखता है बाबूगढ़, ठीक है। इधर पूरा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर स्टेट का आपको यहाँ पर बस मिल जाएगा, ठीक है। बाबूघाट में बस स्टेट है यहाँ। देखो इस प्रकार कुछ दिखता है कि आपका ये गाड़ी वगैरह जा रही है सीधा हावड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। इधर इधर इस प्रकार लगती है, ठीक है। देखिए ना जो रांची जाएगा तो हम लोग आगे की ओर जाते हैं और इधर में कुछ ठेला वगैरह लगता है इस प्रकार साइड साइड में, ठीक है। तो हम लोग को जाना है रांची वाला बस में, ठीक है। यहीं पर है कोलकाता टू रांची, इसमें हम लोग जाएंगे, देखते हैं प्राइस वगैरह बात करते हैं, ठीक है। यही गाड़ी में हम लोग जाएंगे, ठीक है। देखो कोलकाता टू रांची, तो इसी में अपन जाने वाला है। मतलब स्लीपर में हम लोग को बैठने नहीं मिला, तो अभी हम लोग दूसरा बस देखते हैं, शायद दूसरे बस में हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। हेडफोन पूरा टूट गया यार ब्लूटूथ वाला, ठीक है। अपना ले लेंगे अपना शॉप से, ठीक है। तो अभी दूसरे बस में इंक्वायरी करते हैं, इससे हम लोग उसमें तो नहीं जाना पड़ा है, इसमें ये बस में पूछते हैं एक बार, ठीक है। ये बस में पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 750 बोल रहे हैं, तो 750 में कौन जाएगा भाई, 750 तो यार ट्रेन में जाएंगे तो 100 रुपये में मैं चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा बस में पूछते हैं, ठीक है। और वाला बस हम लोग को बोला 700 रुपया और सीट में बोला तो 450 रुपये, 250 रुपये में आए थे और अभी हम लोग उतना लेगा तो हम लोग ट्रेन में जाएंगे, ठीक है। तो पूछ के देखते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमारे लगता है उम्मीद है आज गाड़ी वगैरह नहीं मिलती, ठीक है। ट्रेन में जाएंगे अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो, ठीक है, दूसरे गाड़ी में थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर लेते हैं, पूछते हैं। अगर हम लोग को गाड़ी वगैरह मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग जाएंगे। नॉन एसी में हम लोग पूछते हैं, एसी गाड़ी का तो सारे लोगों का प्राइस हाई रेट बता रहे हैं, ठीक है। तो एसी बस का प्राइस है 500 रुपये बोल रहे हैं, ठीक है। और नॉन एसी में 250 तक में से ले लेगा। और भी ऐसे तो बस है बहुत सारा है, लेकिन सब वाला पूछते हैं, ठीक है। एक एक बस करके पूछेंगे। ब्लूटूथ फट गया, टूट गया, इसीलिए थोड़ा बात करने सही से नहीं मिल रहा है यार। हम लोग का आवाज़ भी क्लियर एक्चुअली ऐसे में नहीं आता है, ठीक है। तो शाम का वक्त इस प्रकार कुछ लोकेशन दिखता है, ठीक है। और एक दो बस देखते हैं, और एक दो बस हम लोगों को अगर मिलते हैं तो, ठीक है, नहीं तो घर जाने के लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ट्रेन भी है हम लोग के लिए सुविधा है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों कलकत्ता से आ गए रणगांव में, ठीक है। रणगांव में उतर गए सवेरे। तो टाइम क्या हो रहा है आप सबों को थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा। टाइम हो रहा है 4:50, ठीक है। 4:50 में हम लोग पहुँच गए, ठीक है। 9 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, 9 या 10 बजे लगभग, 9 बजे। तो 9 बजे हम लोग कोलकाता बाबूघाट बस स्टैंड से चढ़े थे और हम लोग यहाँ पहुँच गए 4:50 में। वेरी हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो थोड़ा बहुत अभी वेट करेंगे, ठीक है। तो अभी एक लड़का को फ़ोन करेंगे, उसके बाद हम लोग का बाइक लेके आएगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में ठंडा तो नहीं लग रहा है बस में, लेकिन ठंडा लग रहा था स्लीपर में थे ऊपर में, ठीक है ना। और दूसरा साइड में खिड़की वगैरह खुला था, उसमें कोई नहीं था यार, हम लोग को जाके बंद करना चाहिए, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक। और मॉर्निंग में देख रहे हैं यार कैसे लग रहा है, ठंडा बोल रहे, तो देख रहे हैं कि स्लीपर का खिड़की साला खुला लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से विजयगिरी, ठीक है। 4 किलोमीटर जाना है अभी अपना घर यहाँ से, मेन रोड है, ठीक है। इधर हम लोग जाएगा, इधर गलियों की इधर ऑटो खड़ा है ना, ऑटो इधर, ऑटो आप लोग को दिख रहा है, ऑटो होकर के हम लोग जाएगा, ठीक है। इधर चल जाती है सीधा रांची और उधर जाती है टाटा, ठीक है। देखो गाड़ी वाला लाइन मार रहा है अपन को, तो हम लोग सीधे अभी जाएंगे यहाँ से, हम लोग विजयगिरी जाएंगे, अभी तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी बंदे को फटाफट फोन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग NH 33 से हम लोग निकले थोड़ा रणगांव के बीच में, ठीक है। तो हम लोग का भाई है रोहित नाम का, ठीक है। उसके वहाँ हम लोग बाइक वगैरह रखे थे, तो अभी हम लोग उसके पास जाते हैं,
फिर गाड़ी वगैरह लाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं घर को। तो आज का मौसम तो काफ़ी सुहावना है, मज़ा आ रहा है। और क्या बताएं, उधर का मौसम और इधर का मौसम में थोड़ा डिफरेंस है। उधर थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है और इधर में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब भाई को देख रहा है थोड़ा थोड़ा इधर में कांप रहा है, उधर में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जैसे लग रहा था। ठीक है, हम लोग बार बार नहाने का रिक्वायरमेंट कर रहे थे, और अपन तो नहा लिए थे, भाई भी नहा लिए थे। ठीक है, 20 रुपये करके चार्जेस लिए थे वहाँ पे, 20 रुपीज़ स्नान करने का भी लेता। ठीक, तो अभी हम लोग रोहित भाई के घर जाते हैं, यही रूट पे ना। हाँ, यही रास्ता पे। एक्चुअली मैं ना इधर फर्स्ट बार आ रहा है, तो थोड़ा मैं बोरिंग मतलब कहीं खोत नहीं गया इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों। तो इस टाइप का कुछ रास्ता दिखता है। ठीक है, हम लोग जाते हैं। अब गांव घर का एरिया यार, बस्तर का एरिया कुछ देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इधर साइड मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ यार, अपना एरिया हो गया इस क्षेत्र में। उधर वो साइड तो मैं पूरा घूम चुका हूँ। ठीक है, तो इधर में है रोहित भाई का घर। रोहित भाई को मैं कैसे जानता हूँ, ठीक है, वो हमारा क्लास फ्रेंड था। ठीक, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, तो उसको मैं जानता था। तो हम लोग का कुछ भी सामान वगैरह बनाना होता था, रैक पैक क्या क्या होता है ना, सारा कुछ मैं उसी को बनवाने था। शायद मैं उसका घर पहुंच चुका हूँ लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार कुछ घर द्वार सब दिखता है यार इधर में। यही घर है नेता ना को ओड़ मच पा यार। तो इस प्रकार कुछ घर वगैरह सब देखने को मिलता। ठीक है, तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। तो रोहित भाई का घर यही होना चाहिए लगता है, पहुंच गए होंगे हम लोग। ठीक है, बोरिंग में गांव घर का कुछ लोकेशन इस प्रकार होता है। एक तो काम धाम चल रहे, ठीक है, घर का आंगन को पोछा झाड़ू गोबर वगैरह करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो साफ सफाई। तो इधर मैं आ चुका हूँ, ये मस्जिद दिख रहे ना, ये मस्जिद तक मैं आ चुका हूँ। एक बार एयरटेल सिम बेचने आया करता था कंपनी के थ्रू, जब कंपनी में मैं जॉब करता था एयरटेल कंपनी में। ठीक है, उस समय आता था इधर साइड सिम वगैरह बेचने, 50 रुपये में 2 सिम देता था यार, काफ़ी चीप प्राइस में। ठीक है, लोग काफ़ी इन्जॉयमेंट करते थे, 50 रुपये में 2 सिम प्लस 1.5 GB, मतलब कितना इन्जॉयमेंट होता था वो सिम, लोगों को मज़ा आता था यार। अल्लाह सब लूट पाट के लेते थे, हर एक बंदा 2-2 सिम लिया करते थे। नेट वगैरह चलाते थे, फिर का करते थे बताएं, नेट वगैरह चलाने के बाद सिम वगैरह को फेंक देता था, जब रिचार्ज वगैरह ख़त्म होता था अपना, लोग पड़ोसी सबको दिया करते थे। ठीक है, तो अपना बाइक में अपना फ्रेंड अपना दोस्त बाइक और हम लोग का ब्रदर के साथ है। ठीक है, तो अभी हम दोनों यहाँ से जाते हैं विजयगिरी। ठीक है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे 2 से 3 मिनट में। ठीक है, तो निकलते हैं। तो रड़गांव का लोकेशन भी इस प्रकार कुछ देखने को मिलता है, सुबह सुबह का भी सनसेट भी नहीं हुआ। ठीक है, सूरज भी नहीं हुआ, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आंगड़ा बिरको पर मेरे टुंडंग वीर ताला रे, इस करग में दुबर हो न लिखा। तो साथियों, मैं अभी इस वक्त अकेले बैठा हूँ, ठीक ना, तो दिल में बहुत सारे क्या क्या ख्याल आते हैं दोस्तों, माइंड में क्या क्या चलते हैं ना। तो दोस्तों, मैं थोड़ा मन को फ्रेश करने के लिए इस वक्त मैं आया हूँ डैम का कोच्चा में। ठीक है, इधर है कोच्चा में। ठीक है दोस्तों, इधर में कोई भी नहीं रहता। ठीक है, मछली फंसाने वाले फिशिंग करने वाले लोग रहते हैं। तो अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ और काफ़ी अकेले हूँ, सुनसान सा माहौल, किसी की याद हूँ मैं उस टाइप का हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा नेचर का आनंद ले रहा हूँ। ठीक, और इधर भी साथ में डैम देखो, पूरा डैम के सामने मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ। तो आप लोगों को मैं गाना सुना रहा हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। आप जैसे दोस्त लोग हैं जो मुझको सपोर्ट करते हो, शुक्रिया भाई लोग। तो दोस्तों, अभी हम मैं यहाँ से जाऊँगा घर, धोआता हूँ, फिर अपना घर को निकलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग और आप लोगों को हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, तक बाय बाय।